वेलकम बैक टू माय क्लास एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बॉडी टाइप। ओके, बॉडी टाइप के बारे में क्या करेंगे, हम बात करेंगे। ठीक है, बॉडी टाइप के बारे में कई रिसर्चर ने अलग अलग तरीके का क्या किया है, बॉडी को डिवाइड किया है। ठीक है, जैसे आप हिप्पोक्रेट्स ने बॉडी को चार तरीके से डिवाइड किया है ह्यूमन बॉडी को। ठीक है, उन्होंने क्या किया, बिहेवियर भी एक्सप्लेन किया उसके साथ साथ। ओके, एंडिस ने भी बॉडी को तीन तरीके से डिवाइड किया है, और मेनली जो डिवाइड एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है, वो है हमारा विलियम हार्वर्ड शेल्डन का। ठीक है, उन्होंने बॉडी को तीन तरीके से डिवाइड किया है। ठीक, उसके बारे में क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, और जो सोमेटो टाइप बॉडी टाइप चार्ट है उसके बारे में क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। ठीक, क्लास 11 का टॉपिक है हमारा। ठीक है, यूनिट है 7, और जो यूनिट का नाम है हमारा टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। ठीक है, तो हम देखेंगे तीन तरीके का बॉडी जो विलियम हार्वर्ड शेल्डन ने डिवाइड किया है कैसे कैसे है। ठीक है, पहले हमारा एंडोमॉर्फ, ओके, सेकंड है हमारा मेसोमॉर्फ, थर्ड है हमारा एक्टोमॉर्फ। ठीक है, जो एंडोमॉर्फ है वो लोग कैसे होते हैं, ओके, दे आर लुक शॉर्ट, ओके, वो क्या होता है, हाइट में छोटे होते हैं। ठीक है, उनके आर्म और जो लेग होते हैं क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, और उनका फिगर क्या होता है, राउंड होता है। ठीक है, शॉर्ट आर्म एंड लेग्स, ओके, राउंड फिजिक। ठीक है, एकदम इजी है समझना, क्या है, बंदा छोटा है, मतलब 4 फीट 9 से 10 इंच का होगा। ठीक है, और राउंड फिगर होगा, हाथ और पैर क्या होंगे, थोड़े से छोटे होंगे। आपको ये कंसेप्ट समझना है, ठीक है, याद रखना है कि एंडोमॉर्फ वाला बंदा कैसा होता है, तो ही आपको ये चार्ट समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मतलब नॉट ओनली एंडोमॉर्फ, आपको ये तीनों मतलब टाइप समझ में आना पड़ेगा, उसके बाद ये चार्ट समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मेसोमॉर्फ, ओके, मेसोमॉर्फ लोग कैसे होते, एथलेटिक्स, ओके, एथलेटिक जो लोग होते हैं वो होते हैं हमारे मेसोमॉर्फ कैटेगरी के आते हैं। एज एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, विराट कोहली, ठीक है, रोनाल्डो, ठीक है, जॉन सीना, ये लोग क्या आते हैं हमारे मेसोमॉर्फ कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, उनका क्या होता है, बैलेंस कॉम्पोजिशन होता है बॉडी में। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, मेसोमॉर्फ कैटेगरी में लोग आते हैं। और नेक्स्ट टाइप इज एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ लोग कैसे होते हैं, ओके, एक्टोमॉर्फ वाले जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, स्लिम होते हैं। ठीक है, और वो क्या नहीं कर पाते, ज्यादा वेट गेन नहीं कर पाते हैं। मतलब आप एग्जाम्पल पकड़ सकते हो, बंदा कैसा हो सकता है, स्लिम है, ठीक है, उसका वेट ज्यादा गेन नहीं होता है। ठीक है, वो पतला सा बंदा होगा और थोड़ा सा हाइटेड होगा। ठीक है, वो आप एज्यूम करके चलो। ठीक है, तो हमारे तीनों क्लियर हो गए, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, तीनों क्लियर है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सोमेटोटाइप। सोमेटोटाइप के बारे में क्या करेंगे, हम बात करेंगे, मतलब बॉडी टाइप एक चार्ट है। ठीक है, एक इस चार्ट में कौन सा बंदा कैस किस कैटेगरी में आएगा, ठीक, उसको हम कौन सी लोकेशन में उसको फिट कर सकते हैं इस चार्ट में, वो देखेंगे हम। ठीक है, ये आपको आ सकता है एग्जाम में। फिर हो गया नाउ सोमेटो टाइप जो होता है, इसमें सबसे पहला क्या जानना है, एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ बोलते हैं आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, बंदा क्या है, छोटा है, उसका आर्म छोटा है, लेग छोटा है, और बॉडी राउंड है, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, मेसोमॉर्फ बोलते हैं एथलेटिक्स प्लेयर वगैरह जो है, फुटबॉल प्लेयर हो, क्रिकेट प्लेयर हो, तो आपके दिमाग में वो छप जाना चाहिए। और नेक्स्ट एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ वाले कैसे होते हैं, मैंने बोला वो पतले होते हैं, उनका वेट ज्यादा गेन नहीं होता, और वो क्या दिखते हैं, लंबे दिखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा नाउ। ये जो चार्ट बना है इसमें आपको 711 दिख रहा होगा, ठीक है, 171 दिख रहा होगा, 117 दिख रहा होगा, तो ये क्या लिखा मैंने, तो आपको मन में क्वेश्चन आएगा सर ने वो क्या लिखा। ठीक है, जो एंडोमॉर्फ है, ये जो पोजीशन है हमारा हाई पोजीशन है एंडोमॉर्फ का, मतलब वो ज्यादा एंडोमॉर्फ है, ओके, वो ज्यादा मोटा है। ठीक है, वो ज्यादा नाटा है। ठीक है, उसका हाथ बहुत ही छोटा है और लेग भी बहुत छोटा है। ठीक है, ये हमारा हाई पॉइंट होगा उसका। मेसोमॉर्फ क्या है, बहुत ही एथलेटिक है। ठीक है, बॉडी फिट है, कॉम्पोजिशन जो है बॉडी का बहुत ही अच्छा है। ठीक है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, इसका हाई पॉइंट किधर है हमारा, ये, ठीक है, ये 7 में आएगा और इधर 1 होगा उसका। ठीक है, तो ये लाइनिंग दिख रहा है ना आपको ये, और एक्टोमॉर्फ हाई पॉइंट किधर है हमारा, इधर 7 इधर होगा। ठीक है, तो एंडोमॉर्फ का 7 इधर है, 6 5 4 3 2 1। ठीक है, और ये मैंने एक लाइनिंग कर दिया था, कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, और जो मेसोमॉर्फ है उसका क्या होगा, 7 6 5 4 3 2 1। तो मैंने इधर क्या कर दिया है, मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, इनको मैंने नंबरिंग करके दे दिया है। इस लाइन को आप इधर एज्यूम करो, ठीक है, इस लाइन को आप इधर एज्यूम करो और इस लाइन को आप इधर एज्यूम करो। ठीक है, क्लियर हो गया हमारा ये। नेक्स्ट, ये जो चार्ट है इसमें एक बंदे को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, तो इसका लोकेशन कहाँ पे आएगा इसका हम देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हम जॉन सीना को पकड़ लेते हैं, ठीक है, रेसलर को पकड़ लेते हैं, तो उनको इस चार्ट में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे ढूंढेंगे। ठीक है, तो उनका क्या है, सबसे पहले मेसोमॉर्फ देखेंगे उसका, वो एथलेटिक टाइप का बंदा है, तो एथलेटिक क्या होगा उसका, हाई होगा, तो मैंने उसका 6 पॉइंट पे पकड़ा है। ठीक है,
और नेक्स्ट देखेंगे हम उसका एंडोमॉर्फ। वो क्या है, थोड़ा सा राउंड है फिगर उसका, ठीक है, और थोड़ा नाटा भी है, शोल्डर देखा जाए तो थोड़ा सा क्या है शॉर्ट भी है, तो हम उसको क्या देंगे 5, ठीक है, ज्यादा हाई नहीं है, मॉडरेट है, पकड़ ले तो 5 5। एंडोमॉर्फ का कहां पे आता है, इधर, ठीक है, ये वाला पॉइंट पे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देंगे, हम एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ क्या है, उसको बहुत ही कम है, वो थिन नहीं है, ठीक है, उसको वेट पे अच्छे खासा गेन है, तो उसको हम 2 में देते हैं, ठीक है, 2 में अगर दिया जूम किया तो 2 कहां पे आएगा, 7 6 5 4 3 2, ये इन दोनों का सेंटर पॉइंट हमारा का ये है, तो सेंटर पॉइंट को ऊपर की तरफ लेते हैं तो हम कहां पे आते, इधर, ठीक है, इसका 6 है तो इधर, तो इधर क्या आएगा, रेस्लर्स, ठीक है, ये वाला पोर्शन में क्या आएगा हमारा, रेस्लर वाले जो लोग है वो आएंगे, ठीक है। ऐसे आप क्या कर सकते हो, हर बंदे का अलग अलग करके आप निकाल सकते हो कि वो कौन से पॉइंट में आएगा, ठीक है, किसी भी बंदे को आप एज्यूम करके क्या उसका पॉइंट निकाल सकते हो, सेंटर पॉइंट निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा था बॉडी टाइप, ठीक है, आपको ये आ सकता है, तो टोटल क्लियर हो गया होगा आपका सोमेटो टाइप, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।